रक्षे पे आ गए, पीछे बाइक पे उधर से हम गए ना रक्षे पे, और रश भी बहुत है क्योंकि सामान काफ़ी सारा था, तो हमने कहा एक ही दफ़ा रख ले लेके, तो मैं पिछली दफ़ा बार बार लिया तो दोनों बहुत था कि हर हफ्ते तुम लोगों का राशन खत्म है। जैसे मैं पंजाब गया था ना तो आधा राशन था आधा नहीं था, तो आधा आते ही ले लिया था, कुछ जो ख़त्म हो गया था वो बाद में ले लिया, तो दोनों को बहुत आइसक्रीम ली और मेल्ट हो गई और ये गुस्सा होकर रख दी। इसके साथ हमेशा ऐसे होते जो चीज़ लेते हम लोग वापस मिलते रख दे, तो गुस्सा होकर बैठे थे मेरी चीज़ें क्या, और हमने वहीं पर वापस रख दिया मिल लेते हैं क्योंकि इन्होंने कहा कि नहीं मेरी चीज़ें। पापा क्या बोल रहे हैं, आपकी चीज़ें नहीं लेके दी, और ये इधर देखो मेरी तरफ देखो, ये न इसे छेड़ के चले गए, खुद तो आगे चले गए, और ये यहाँ पे अच्छा मैं आपको ले दूंगी, आपको थोड़ा है आपका अच्छा, आज के बाद हम नहीं ऐसा करेंगे। मैं बैठ कर सो रही कि तुम लोग मेरे साथ ऐसे करते, मैं अंदर नहीं अच्छा अगली दफ़ा नहीं करेंगे ना ऐसा। फादिया के लिए आया ये किचन सेट, इसका बर्थडे का गिफ्ट है, तो ये रही फादिया। फादिया अच्छा इसको भी ओपन करना है, इसको भी ओपन करना है, नहीं करो ना ओपन, ऐसा पड़ा रहे प्लीज, नहीं ऐसे पड़ा रहेगा सही है, वरना तुम तो खराब कर दोगी ना। अच्छा भाई ये रो के आई थी तो घर आया है, तो इसके लिए गिफ्ट आ चुका है, तो ये बहुत खुश है। और ये देखे क्या इसका गुस्सा देखे और इसका शोर देखे, मीर क्या हुआ वहाँ पे, जो है ना इसका सारा कुछ निकाल के दे दिया, अब ये बनाएगी और मैं तो जा रही हूँ अपने किचन में, और ये संभालेगी अब अपना किचन, ये जाने और इसकी मम्मा जाने, तो मैं जो है ना जा रही हूँ अपने किचन। चैन हमारे घर मामूल के हिसाब से चिकन बन रहा है तो जिसके लिए मैंने पहले प्याज को ना फ्राई करने के लिए छोड़ दिया था, साथ साथ में मसाले कटिंग कर रही थी और इम्तियाज गए थे वहाँ का भी सौदे थे, तो वो भी मैं साथ साथ बैठ रही थी, तो वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाई, तो बस ये थोड़े से ब्राउन हो जाए तो फिर इसके अंदर डालते हैं मकड़ी। ये है पूरी मेरी हरी भरी प्लेट मसालों की, यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक ज़ीरा और लाल वो हरी मिर्ची भी कूट ली है, नमक हल्दी धनिया पाउडर और ये मिर्ची सुर्ख वाली और ये ज़ीरा पाउडर और यहाँ पे साबित थोड़े से मसाले मैंने रखे, तो ये डालते हैं फिर उसके बाद जो है ना चिकन डाल देंगे और टमाटर जो है ना लास्ट में डालेंगे। तो जी यहाँ पे जो है ना ये देखिए प्याज बिल्कुल रेड हो चुके हैं, तो आप बस ये मसाले एंटर करते हैं और इसके बाद जो है ना इनको भूनते हैं और फिर डाल लेते हैं चिकन। ये सारा कुछ हो चुका है तो अब इसके अंदर चिकन ऐड करते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं आगे। यहाँ पे ये देखें भाई ये जो है ना मेरी चिकन जो है ना अभी रेडी हो रही है, तो बस अभी ना मैं इसमें दो मिनट के बाद जो है ना जब इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा ना फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अपने टमाटर, तो है ना फिर फुल आंच पे ना इसको मैं पकाऊंगी। आपका किचन में बना देती हूँ, दो मिनट रुक जाओ मैं अपना सालन बना लूँ फिर आपको बना देती हूँ। मैंने फुल आंच कर दी और ये टमाटर भी ऐड कर दिए, बस इनको चम्मच चलाते फुल आंच पे ना पकाते ताकि इनका पानी ना जल्दी जल्दी खुश्क हो जाए, तो उसके बाद है ना फिर इसे हल्की आँच पे मैंने तीन आलू काटे और तीन ही हरी मिर्ची इसमें वैसे ही डाली थी, तो अब बस इसको अच्छे से पकाते हैं, जब तक ये नहीं हो जाएंगे तब वैसे फुल आँच पे मैं पका रही हूँ, साथ में बैठी साथ साथ चम्मच पे लाऊँ और लास्ट में ना एक टेबल स्पून भरा हुआ आज मैं डालूँगी इसके अंदर अचार मसाला, क्योंकि ये थोड़ा फीका फीका मुझे लग रहा है, तो मिर्ची वगैरह और नहीं तो बस वही डाल लेंगे। और कोशिश करती हूँ कि आज हमें ये तंदूर की रोटी बाहर से खिला के जाएँ, क्योंकि ये लोग सुबह जा रहे हैं कितने दिन के लिए ये भी कोई पता नहीं है, लेकिन ये लोग जा रहे हैं तो बाबर भाई और दिलबर ये दोनों ही जा रहे हैं, हम पीछे रह जाएंगे, फिर देखते हैं हम लोग क्या अपनी रूटीन बनाते हैं क्या नहीं बनाते। यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है हरी मिर्ची और अदरक, और यहाँ पे मैंने इनको काट के रख दिया, तो इनको वॉश करके डालेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी आपको सालन का दिखाती हूँ कि सालन कहाँ तक पहुँचे।
तो ये है सालन की पोजीशन। तो अभी बस मैं चेक करती हूँ कि आलू और चिकन जो है ना अच्छे से अगर गल गई हैं, हो गई हैं, तो फिर उसके बाद जो है ना हल्का सा पानी डालूँगी, चौथाई कप तकरीबन, तो ताकि हल्की सी ग्रेवी और घी वगैरह ऊपर से निकल आए। तो थोड़ी मसरूफ़ थी तो ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। तो ये पोजीशन है अभी। वैसे आलू के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, ये बस वैसे कि वैसे ही खड़ी है, इसमें कुछ भी नहीं डाला, कुछ भी ऐड नहीं किया। अभी तक मैंने नमक भी नहीं टेस्ट किया कि इसमें नमक पूरा है कि हल्का है। तो बस ये कटिंग की और कुछ सामान था वो साइड पे रखा है। तो जो ना अभी फिर देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। जी डालो आप वाटर। बाबा बाबा बस इतना नहीं डालना था, अभी आलू में थोड़ा था तो जो है ना आलू को भी रहने देती हूँ। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया, तो अब बस इसे हल्के सी आंच पे मैं खड़ा कर देती हूँ। मैंने कोयला भी रख दिया है और ये सारी चीज़ें काट कूट ली है, फिर उसके बाद आपसे ना जब लास्ट इसका करते हैं सारी चीज़ें डालते हैं वो आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो है ना सालन हो चुका है रेडी। देखिए हल्की सी मैंने ग्रेवी रख दी, नमक कम लग रहा था, नमक भी मैंने अभी डाला। मैं इसका चूल्हा बंद करने लगी हूँ और ऊपर से मैं डालने लगी हूँ इसके अंदर ये दो चीज़ें और धनिया, धनिया वॉश करके ऊपर का वो डालती हूँ और फिर कोयले का इसको धो देते हैं। पहले चूल्हा बंद करते हैं। तो ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, बस हल्का सा अचार गोश्त मसाला डाल के, बस हल्का सा, ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि काफ़ी तेज़ तेज़ मिलका हो जाएगा। फिर मिर्ची भी डाल दी है तो बच्चों ने भी खाना है, तो बहुत हल्का डाला है। अब बस मैं इसे कोयले का धुआं देती हूँ और ऊपर से ढक्कन दे देती हूँ, जब फिर रोटी बनाएंगे या बाहर से लेंगे तब कोशिश करूँगी कि वीडियो बना के आपको दिखा सकूँ। जी 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 बे ओ, बे ओ, कहाँ गए थे आप? बे ओ, आप लोग जा रहे हो? हाँ हम लोग जा रहे हैं। कब आओगे? हम नहीं बताएंगे। कितने दिन लगाएंगे आप लोग? हम नहीं बताएंगे ताकि हमें खुशी मिल सके। आप लोग कितने दिन लगाएंगे? बे ओ, बे ओ, रानी रानी दुआ रानी ये आपको छोड़ के जा रहा है। बोलो नहीं जाएगा पापा, कहा से कहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते कोई छुटके, कोई छुटके। मैंने आपको मैसेज किया था तंदूर की रोटी लेते हैं, सालन बन गया खा लें। बहुत जा रहे हैं सुबह सुबह और शाम जा रहे हैं क्या? दो राइडर जा रहे हैं। हाँ दो राइडर जा रहे हैं। अपने बैग वगैरह जो है ना बांध रहे हैं, तो चाचू भी खड़े हुए हैं, तो ये सब जाने की तैयारी में है। बाय बाय। मैं ऊपर से व्लॉग बना रही हूँ और ये वहाँ नीचे से अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करके घूम रहे हैं। बच्चों की अलमारी जब से आए ना पंजाब से तो ऊपर नीचे दोनों के कपड़े हो गए थे, तो आज बस टाइम मिला तो मैंने कहा इन दोनों के कपड़ों की ना सेटिंग कर ले, तो अब फादिया और मैं वही कर रहे हैं। कैसे फादिया? और यहाँ पे ये भी है, तो बस ये ना हमारे आज अलमारी की सेटिंग हम लोग करते हैं, उसके बाद जो है आपको दिखाते हैं कि कैसी हुई। कल जो आंटी आई थी ना उन्होंने मेरे लिए ये स्वेटर लेके आई और वो भी ग्रीन लेके आई, वो आप लोग कहते हैं आप इतना ग्रीन क्यों लेके, तो इसकी वजह आज की जो हमारी वीडियो है उसका यही पे एंड करते, उम्मीद करते हो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी 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 आपको भी दूँ? अच्छा ठीक है देती हूँ। तो यहाँ पे ये सब है, बस अभी कमरे की सफाई वगैरह मैंने कबर्ड की कर ली है इनकी। जी जी तो ये देखिए अब जो है ना मैंने उनके कपड़ों को तय लगा के अपने अपने अलग, ये भी फादिया के हैं, ये भी फादिया के और ये दुआ के, और इसमें से जो गर्मियों की थी ना निकरे वगैरह वो मैंने निकाल के अलग से रख दिए। तो बस अब जो है ना बस दूसरे काम करने वो कर लेते हैं, तो कोई खाना शाना बनाएंगे।